हेलो फ्रेंड्स, मु नर सिंह। मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपन समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा हाईस्कल शिक्षक निजुक्ति 2022-23 कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जीके क्वेश्चन उपर। तो फ्रेंड्स, आप मैंने जानते समस्त आपर जानते एथर ओएसएससी कंडक्ट कर रिटर्न एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम रे कंप्यूटर 20 मार्क आसपा इंपोर्टेंट रहा कंप्यूटर सेक्शन। तो एथर ओएसएससी कंडक्ट कर तो ओएसएससी आप मैंने रिसेंटली गोटे मसे तले मसे पूर्व आमर सीजीएल एग्जाम कंडक्ट करशा सीजीएल सहित आपर बीएसएसओ कंडक्ट करो टाइप क्वेश्चन आसाला कंप्यूटर में ताक बेस करके आपर जो पूर्व जो सीएचटी एग्जाम आसाला सिलेबस बेस करके क्वेश्चन लेकिन आसती एथे 25 क्वेश्चन अच्छी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एथे 25 क्वेश्चन अच्छी आप आउट ऑफ 25 केते स्कोर करुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। तो प्रथम क्वेश्चन आप मन रही फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज ईईपीआरओएम मीन्स। तो ईईपीआरओएम रो फुल फॉर्म से पचारी आप प्रत्येक एग्जाम रे फुल फॉर्म उपरे आपनर अधिक आसुची आमर अधिकांश ओएसएस एग्जाम रे तार फुल फॉर्म पचारुची। तो ईईपीआरओएम रो फुल फॉर्म कौन पचारी तो ये मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुची जो मैंने जानते आप कमेंट बॉक्स में जनइबे। तो ये आम सठिक आंसर होची कौन ना ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो मैंने बी टिक कर एक मार्क एड करे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैन बी रिटेन ओनली वन्स। तो से कहे कौटा गोटे नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेटा केवल गोटे थर ही लिखा जाए परबो केवल गोटे थर ही लिखा जाए परबो ताकु सेकंड टाइम इरेज करके आम किसी लिखि पारिबा नाही। तो सेटा होचे हमर कौन ना प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चार ऑप्शन रही ओपन ऑफिस रही माइक्रोसॉफ्ट टूल किट रही एडोब फोटोशॉप रही उबंटु रही मधर कौटा गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नुहे से पचारी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आसुची ओपन ऑफिस गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टूल किट गोटे आमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप मध्य तार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जाउची किंतु उबंटुटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम तो उबंटु गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नुहे। ऑप्शन नंबर डी होची आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड द माइक्रो प्रोसेसर एज कोर कंपोनेंट। तो कोर कंपोनेंट रूपे आमर कंप्यूटर कौ जनरेशन रे आमर माइक्रो प्रोसेसर को तार कंपोनेंट रूपे यूज करा जायतिला। तो कौ जनरेशन हम तो करेक्ट आंसर हो फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर को तार कोर कंपोनेंट रूपे कंप्यूटर रे यूज करा जायतिला कौ जनरेशन फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटर्न इन बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म रे कौ कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखा जाए तो बाइनरी फॉर्म रे लिखा जाए कौ कंप्यूटर लैंग्वेज को ना मशीन लैंग्वेज को लिखा जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक आंसर। नेक्स्ट रही व्हाट इज हाफ बाइट कॉल्ड क्या हाफ बाइट कहुए से पचारि। तो हाफ बाइट हूँ कौन ना निबल वन निबल को हाफ बाइट कह जाए कहीं वन बाइट होची 8 बिट आ 4 बिट रे वन निबल से आमर कह जाए हाफ बाइट कह जाए वन निबल को। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नोन एज टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। तो एमानको मध्यरु आमर चारिटा ऑप्शन रही SSD HDD RAM ROM कोटा गोटे टेम्पररी बा वोलेटाइल मेमोरी से पचारि। तो आमर करेक्ट आंसर हो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी जहाँ को आम टेम्पररी मेमोरी कहूँ वोलेटाइल मेमोरी कहूँ। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर कहीं रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन होची जहाँ किसी डाटा रही कंप्यूटर आम स्विच ऑफ कले सब डाटा गुड़क इरेज हो स्टोर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन्वेंटेड इन 1990। तो 1990 मसीह आमर प्रथम वेब ब्राउजर इनवेंट करा जाइथिला। तो तार ना कौन से पचारुची फास्ट वेब ब्राउजर ना कौन तो इंटरनेट एक्सप्लोर ना मोजाइक ना मोजिला ना नेक्सस। तो फास्ट वेब ब्राउजर होची नेक्सस। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS CMOS रो फुल फॉर्म कौन से पचार CMOS रो फुल फॉर्म कौन से पचार तो CMOS रो फुल फॉर्म होची कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ऑप्शन नंबर बी होची हमरो सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड तो आम गोटे वार्ड को गोटे वेब पेज रे जो क्लिक करते ओपन एनादर डॉक्यूमेंट आमर आसूस कौन कहुचे कहुए कौन ना हाइपर लिंक ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इज कॉल्ड एज अनसॉलिसिटेड ईमेल तो ये मतलब क्या अनसॉलिसिटेड ईमेल कह जाए तो ये स्पैम रही स्पैमिंग रही इनबॉक्स अनवांटेड मेल्स तो आमर करेक्ट आंसर हो स्पैम स्पैम को कहा जाए अनसॉलिसिटेड मेल तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन तो आमर कंप्यूटर स्क्रीन रे टिके टिके ब्लिंकिंग होची जो सिंबल गुड़ा को कौन कहा जाए तो सीटा हूँ आमर कौन ना कर्सर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस तो कंप्यूटर रे आमर जो डाटा गुड़ाक स्टोर कराऊँगी एवं तार परफॉर्मेंस कैलकुलेशन होची से गुड़ाक को नंबर सिस्टम रो होची ऑक्टल बाइनरी डेसिमल ना हेक्साडेसिमल तो करेक्ट आंसर होची बाइनरी सिस्टम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम इज द डैश तो आमर जो कंप्यूटर रे रोचे मेन सर्किट बोर्ड सिस्टमटा कौन कह जाए तो देखु मदर बोर्ड कंट्रोल यूनिट राम ना माइक्रो प्रोसेसर तो करेक्ट आंसर होची मदर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए बाइट इज कंप्यूटिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ तो कौची वन बाइट माने कौन कंप्यूटर आमर जो कंप्यूटर जो रही जो तार जो आमर जो मेमोरी रही तो वन बाइट माने केते से पचार 8 बिट 40 बिट ना 10 बिट ना 22 तो वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स माने 8 बिट रे वन बाइट होची वन बिट माने वन डिजिट 8 बिट आमर वन बाइट होची आमर 8 डिजिट तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन तो ये मतलब कौटा गोटे सर्च इंजन नुहे विंग गूगल याहू विंडोज तो सर्च इंजन कौटा नुह विंग गोटे सर्च इंजन गूगल गोटे सर्च इंजन याहू गोटे सर्च इंजन एथरे आम सर्च कर जो जहाँ आम दरकार पड़े आम सर्च कर मनकर आम गोटे क्वेश्चन आंसर आम टाइप कर व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ओडिशा बा व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ओडिशा तो आम सर्च कले से नेट्रे जहाँ उत्कल कलिंग जहाँ भी रोचे से दौर से सर्च इंजन तो ये तीन टा जाक सर्च इंजन कि विंडोजा गोटे आम जानते यहाँ गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए वेबसाइट्स फ्रंट पेज और मेन पेज इज कॉल्ड तो गोटे वेबसाइट रो फ्रंट पेज बा मेन पेज को कौन कहा जाए ए वेबसाइट्स फ्रंट पेज और मेन पेज इज कॉल्ड तो वेबसाइट रो फ्रंट पेज बा मेन पेज को कौन कहा जाए होम पेज कहा जाए ए क्वेश्चन मतलब ओएसएससी सीजीएल एग्जाम रे आसी सारी होम पेज कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम तो आम आमर कंप्यूटर को कहा कहा ठारू सेव कर प्रोटेक्ट करवा वायरस टाइम बम्स वर्म्स ना अलग देव तो देखु कंप्यूटर को कौन किए किए आम क्षति घटे आम सेव कर तो वायरस द्वारा आम कंप्यूटर को प्रॉब्लम होमें सेव करा पड़ो टाइम बम्स द्वारा सेव करा पड़ो वर्म सब गुड़ाक आम कंप्यूटर प्रति क्षति कर तो यही समस्त ठारू आम कंप्यूटर को सेव करा पड़ो तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मालवेयर हैज शॉर्ट फॉर्म फॉर रोबोट नेटवर्क तो रोबोट नेटवर्क रो शॉर्ट फॉर्म कौन से पचार तो आमर ए क्वेश्चन टा ऑलरेडी ओएसएससी सीजीएल एग्जाम रे आसीतला से पचार थिला रोबोनेट रो शॉर्ट फॉर्म कौन तो ये आमर से कहिछि जे
व्हिच मालवेयर इज सॉर्ट फॉर्म ऑफ रोबोनेट, रोबोनेट रो सॉर्ट फॉर्म कौन हम से पचार ची, तो रोबोनेट रो रोबोट ने रोबोट नेटवर्क रो सॉर्ट नेट सॉरी रोबोट नेटवर्क रो सॉर्ट फॉर्म हो ची अमरो बोटनेट्स बोटनेट्स तो अमर एग्जाम रे कौन पचार थिला एटा अमर ओएसएस सीजिल रे मध्ये आसी थिला तो अमर करेक्ट आंसर हो ची रोबोट नेटवर्क रो सॉर्ट फॉर्म हो ची बोटनेट्स ऑप्शन नंबर बी हो ची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मालवेयर, तो एम मधु कौटा गोटे मालवेयर नुहे, तो मालवेयर कौटा नुहे से पचार वर्म्स वायरस कुकीज ना ट्रोजन्स, तो देखो तू मालवेयर हूँ आम वर्म्स रही वायरस और ट्रोजन्स ए तीन टा जाक आम मालवेयर कि कुकीजा मालवेयर नुह, तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। तो किसी इंपोर्टेंट मालवेयर आम जाणी रखा जहाँकि एग्जाम इंपोर्टेंट रो, तो देखो आम मालवेयर रही एडवेयर रही फाइललेस मालवेयर रही वायरस रही वर्म्स रही ट्रोजन्स बोट्स रैनसमवेयर स्पाइवेयर ए सब आम गोटे गोटे मालवेयर एग्जांपल, तो आप ऑप्शन में भी चेंज करके दब से मुझे सब गुड़ा कही आपटा को स्क्रीनशॉट कर नेबे मुझे आप टेलीग्राम देदेवि आप देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मालवेयर इज सॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो मालवेयर रही तार सॉर्ट फॉर्म कौन से पचार, तो मालवेयरटा कहार सॉर्ट फॉर्म से पचार माने मालवेयर फुल फॉर्म आम कह कथा मालवेयरटा कहार सॉर्ट फॉर्म मालिशियस हार्डवेयर मालिशियस सॉफ्टवेयर बोथ एंड बी नन ऑफ दिस, तो मालवेयर माने कौन ना मालिशियस सॉफ्टवेयर मालिशियस सॉफ्टवेयर ताकू सॉर्ट फॉर्म रे आमे मालवेयर कहिबा मालिशियस सॉफ्टवेयर को सॉर्ट फॉर्म रे मालवेयर कहिबा, तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, आमर भारतीय साइंटिस्ट बा वैज्ञानिक मान द्वारा कौ सुपर कंप्यूटर को विकसित करा जाय छी बा निर्माण करा जाय छी, तो भारत इंडियन साइंटिस्ट माने करछन्ती कौन ना परम नामक सुपर कंप्यूटर को, ऑप्शन नंबर बी होची हमरो करेक्ट आंसर परम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन कंप्यूटर्स चिप इज मेड अप, आमर जो कंप्यूटर रे चिप गुड़ाक जो बना है सेटा कोथरे बना जाय छी कोबाल्ट लेयर रे ना सिलिकॉन ना सिल्वर ना कॉपर, तो आमर जो कंप्यूटर चिप गुड़ा बना जाउछ से गुड़ाक सिलिकॉन रो लेयर रे बना जाउछ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर ए थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आम टेलीविजन ट्रांसमिशन टा गोटे कहार एग्जांपल सिंप्लेक्स हम ना हाफ डुप्लेक्स ना फुल डुप्लेक्स ना नन ऑफ द अबव, आपण जानते या पूर्व आपल या क्वेश्चन आसूँ, तो टेलीविजन आम गोटे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहीं ना गोटे वन वे ट्राफिक केवल आम डाट जेको जिन आम रिसीव कर सेंड करना, तो यहाँ आमर सिंप्लेक्स जाऊँ टेलीफोन पचारे सीटा आमर फुल डुप्लेक्स हम कहीं टेलीफोन रे सामना वाला मुझे किसी कौच तो आम कि रिप्लाय दूचे, तो एट ए टाइम गोटे समय दुटा जाक कम हो रिप्लाय दूचे आम तार आंसर दूसरे आम किसी क्वेश्चन कले सी आमको तार क्वेश्चन आंसर दूचे आ गोटे टाइम दुटा जाक कम हो पार, तो सीटा हूँ फुल डुप्लेक्स टेलीफोन और टेलीविजन ए दुटा मन रखु कन्फ्यूज हेनी आपको टेलीविजन देखे आप सिंप्लेक्स और टेलीफोन देखे फुल डुप्लेक्स आउ वकी टकी आमर हाफ डुप्लेक्स मन रखु आमर रही सिंप्लेक्स हो गला टेलीविजन आउ हाफ डुप्लेक्स आपटा ना हाफ डुप्लेक्स हूँ वकी टकी पुलिस मैंने जो धरुँ वकी टकी आउ फुल डुप्लेक्स हूँ आमर टेलीफोन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जी एटी आम सठिक आंसर हो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मॉनिटर, तो आम जो वीडियो मॉनिटर बा वीडियो स्क्रीन रे सबुठ स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट को आम कौन कह, तो सबुठ स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट हूँ पिक्सेल, ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर पिक्सेल। तो फ्रेंड्स ये थी आप आज टोटल 25 क्वेश्चन, तो आपको वीडियो जो भल लगी तेल निहत भावे हृदय गोटे गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक मात्र सांगसाथी मानक निहत भावे शेयर करेंगे, जदि भिडियो भल लगुच लाइक एंड शेयर करेंगे, तो जो मैंने नुआ अच्छा आम चैनल को निहत भाव सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आप समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन पाई सहित आपते स्कोर कर 25 के स्कोर कर कमेंट बॉक्स में निहत भावे जनइबे, तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।